किसी दो तीन सूफी कहानियों से शुरू करता हूँ। मुझे लगता है कि सूफीज़म से अगर शुरू किया जाए तो ज़िंदगी में तो बरकत रहती है, कहानियों में तो होती ही। अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो जो तसव्वुफ़, जो जिसे आप सूफीज़म बोलते हैं, आप हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह जाते हैं, वहाँ जो कव्वाली सुनते हैं और जो एक मंज़र हम लोगों के सामने खींचा जाता है तसव्वुफ़ या सूफीज़म के नाम, ये उसकी जो शुरुआत है, उसकी जो गंगोत्री, वो इस मिट्टी से हुई है जहाँ हम खड़े हुए हैं। हिंदुस्तान की पहली जो तुर्की सल्तनत, जिसमें तुर्कों ने हुकूमत की, वो ये जहाँ हम खड़े हुए। बहुत सारी तहजीबों का कहवारा, बहुत सारे तमद्दुन, बहुत सारी संस्कृति, आर्किटेक्चर, उन सबको मिलाकर जो है ये जगह बनी। जैसे अब जहाँ हम लोग अभी खड़े हुए हैं वो भी एक सूफी आस्थाना है। इधर अंदर जो है दो सूफी हैं जिनकी दरगाह है, आप लोगों ने कभी सुना हो, जमाली और कमाली। तो हुआ ये कि खानकाह गए हैं आप लोग कभी, किसी खानकाह, किसी मोनेस्ट्री, उसमें लिखा होता है, मतलब जो कल्चर है वो ये है कि आपसे ना आपका मजहब पूछा जाएगा और ना आपसे ये पूछा जाएगा कि आप क्यों आए, ना काम पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ आपको बिठाया जाएगा और आपको खिलाया जाएगा, जैसा गुरुद्वारे में होता, सेम वैसे वही कॉन्सेप्ट। और ये जो सूफी होते हैं इनकी अपनी एक जबान होती है, इन्हें मैं आशिकों की जबान बोलता हूँ। जो आशिक होते हैं वो दूसरों की, दूसरे आशिक की जबान समझ लेते हैं। तो जैसे हुआ ये कि मुल्तान जो बहुत बड़ा सेंटर था इस जमाने में तसव्वुफ़ का, बहाउद्दीन ज़कारिया, तो उनकी खानकाह थी और खानकाह में मतलब बहुत सारे लोग, किसी और के लिए जगह नहीं। तो एक दरवेश आए और जब ये जो सूफी बुजुर्ग हैं उन्होंने उन दरवेश को देखा तो वो सीधा कैसे कहें कि यहाँ जगह नहीं है। तो उन्होंने एक गिलास दूध जो है वो भिजवाया, पूरा एकदम लबालब भरा हो, और उनको भिजवा दिया। वो जो सूफी थे जिन्होंने उस दूध के गिलास को लिया, उन्होंने उसका जवाब दिया, मतलब वो दूध का गिलास ये था कि देखो अगर आप इसमें और डालोगे तो ये छलकने लगेगा। तो ये जो सूफी थे, जो मुसाफिर थे, जो वहाँ आए थे, उन्होंने क्या किया कि खोल लिया और वो उसके ऊपर रख दिया। वो उनका जवाब कि देखो अगर हम फूल रख दें तब भी ये छलकेगा। तो इनकी अपनी एक जबान होती थी आशिकों की। उसी तरीके से एक वाक्य और मैंने सुना, ये जो सूफी होते थे ये बड़े दिलचस्प होते थे, मतलब इनकी बातें, इनकी हाजिर जवाबियाँ। अब जैसे एक सूफी थे वो बाजार से गुजर रहे थे, तो वो देखते क्या है कि एक कबाबची होता है जो कबाब बनाते हैं। पहले दिल्ली के जो कबाबची थे वो बड़े मशहूर थे। वो क्या करते थे, वो कबाब बनाते रहते थे और दिल्ली की कहावतें सुनाते रहते थे। यहाँ पर जो दिल्ली का उर्दू अखबार चलता था उसके एडिटर थे, और वो उनका एक दोस्त आया हुआ था दिल्ली की, लखनऊ से। तो अगर आप लखनऊ गए हैं तो आप एक फ़र्क जो है वो बता सकते हैं कि दिल्ली और अवध के खाने में क्या फ़र्क है। वो लोग खाना खाना भी जानते हैं और खाना पकाना भी जानते हैं, क्योंकि खाने में एक नज़ाकत है। और जो दिल्ली का जो खाना है सिपाही की पकवान, सिपाहियों वाली, बड़े बहुत सारे खड़े मसाले और बहुत सारा मसालेदार खाना जो है वो पकाया जाता है। तो ये जो लखनऊ के ये जो दोस्त आए थे उनके, वो मिर्चा ज़्यादा नहीं खाते थे, पर उनको ये शौक हुआ कि वो दिल्ली के कबाब जाकर चखें। तो जिनके पास आए थे उन्होंने कहा कि भाई आपके लिए सही नहीं है कि आप जाकर वो खाएं, उनमें बहुत तीखा होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो खाएंगे। अब जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ जो हैं वो मशहूर थी, वहाँ पहले किस्सा गो बैठे रहते थे कहानियाँ सुनाने के लिए, कबाबची बैठे रहते थे। अब ये जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने थोड़ा सा कबाब जो है जब वो खाया तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके जहन में बहुत बड़ा एक धमाका हो गया। तो जब उन्होंने उस कबाबची के पास जाकर देखा कि वो किस तरीके से मसाला डाल रहा है उसमें, तो कुछ नहीं था, कीमा था जिसको सीख पर लगाया हुआ था और कीमे में कुछ नहीं था,
उस कीमे की सीख को जो मिर्च होता है उसका घोलता उसमें डुबा के अच्छे से और फिर उसके बाद जो है वो उसको सेक रहे। तो जो आसपास खाने वाले थे उनकी नाक से कान से जो है वो पानी निकल रहा था, वो की आवाज कर रहे थे। तो वो जो वो आए थे साहब उनसे कहते हैं कि साहब हम ये कबाब खाने थोड़ी आते हैं, तो ये जो निकलता है उसके लिए आते हैं। तो पुरानी जो अदबी किताबें हैं उर्दू की जो दिल्ली के ऊपर लिखी हुई हैं उनके उनमें जो है दिल्ली वालों के लिए बड़े बड़े उन्होंने वो लकब दिए हुए हैं कि बड़े मनचले होते हैं दिल्ली वाले, मतलब मिर्चे खाते जाएंगे और बातें बनाते जाएंगे। तो मिर्चे खाना लाइक इस ये बहुत पुराना जो है ये शगल। तो हुआ ये कि एक सूफी थे वो बाजार में आए तो उन्होंने देखा कि कबाबची था साहब को जो है पकड़ते उसे पैसे लेने की कोशिश करना। तो ये सूफी था उन्होंने कहा कि भाई ऐसे भीड़ लगी हुई थी कि मजमा लगा हुआ था, तो उसे पूछा कि भाई आप इनको क्यों मतलब डरा धमका रहे। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो लड़का है इससे मैं पैसे मांग रहा हूँ, ये मेरे कबाबों की सारी बू ले गया। तो उसे पूछा भाई तुम इनके कबाबों की बू तुमने कैसे ली? तो ये बताता है कि मैं घर से एक रोटी लेकर आया था सूखी और वो मुझसे सूखी रोटी खाई नहीं जा रही। तो जब ये कबाबची जो है वो इस तरीके से पंखा करते हैं ना जब उसे भूनते हैं, तो मैं वो रोटी लेकर ऐसे खड़ा हो गया कि उसकी जो बू है थोड़ी सी वो मेरी रोटी में आकर बस जाए तो मैं उसको थोड़ा आसानी से खा सकूं। तो ये जो सूफी थे वो समझे इस बात को, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले, उनकी छनक जो है जो कबाबची था उसके कानों में जाकर और वापस जो है अपनी जेब में रखी। तो ऐसे मनचले भी कह लें, हाजिर जवाबी भी कह लें, मतलब दुनिया को समझने वाले भी कह लें, खैर बहरहाल जहां हम अभी खड़े हुए हैं इस जगह का नाम है, अभी तो ये पूरी जगह जो है जमाली कमाली के नाम से जो है मशहूर है। जमाली कमाली जो है दो सूफी संत थे एक जमाने में, ये जमाना था लोधियों का, बाबर बादशाह के ठीक आने से पहले। तो शेख फजलुल्लाह काम्बोह, तो जो काम्बोह है वो इनका इनके कबीले का लकब। जब मैं इलाहाबाद गया था तो वहां में एक नवाब साहब से मिला और यकीन जाने कि जो नवाब होते हैं वो होते ही नहीं, वो दिखते भी। वो कैसा होता है कि वो पान खा रहे थे और पता चल रहा था कि वो जो चूना जो कत्था जो लगाते हैं हाथ से उनकी अंगूठा उंगली जो है पूरे मतलब तो सुर्ख हो गए उस चीज। तो पान खाते हुए खैर उन्होंने मुझे बताया कि एक जमाना था, क्योंकि वो इन्हीं के खानदान से थे, कि महरौली की जो जागीरें या आसपास ये सारी उनकी जागीरदारी में जो है वो आती थी। और फिर एक जमाना आया कि फिर जब हुकूमत खत्म हो गई अंग्रेजों की, धीरे धीरे ये रियासतें और ये जागीरदारियां सिमटती चली गई। तो शेख जमाली जो काम्बोह हैं उनका जो ताल्लुक है कहा जाता है कि चिश्ती सिलसिले से, और बहुत बड़े मुसाफिर रहे। मुसाफिर हैं तो आशिक भी, आशिक हैं तो फकीर भी, फकीर हैं तो गाहे बगाहे लिख भी लेते हैं, तो शायर भी हो गए। अब शायरी में भी दो तरह की शायरी कही गई है क्योंकि इन्हें शायर का भी लकब हासिल है। एक तो आम शायर जो हम लोग आज उमूमन देखते या पढ़ते हैं, वो आम शायर वो है कि जो वो देखता है वो लिख देता है। सूफी शायर वो है वो जो महसूस करता है वो लिख देता है। आपकी जो मुलाकात है शेख जमाली की मुलाकात वो शहजादे हुमायूं से भी हुई और बादशाह बाबर से भी हुई। तो बादशाह बाबर जिनके बारे में ये कहा जाता है कि एक हाथ में उनके तलवार रहती थी और दूसरे हाथ में उनके जो है वो कलम रहती थी, तो वो भी आशिक थे। तो जब मिले इनसे आकर तो बड़े इनसे जो है इंस्पायर्ड हुए और इनके लिए उन्होंने एक मस्जिद तामीर कराई जिसे आप जमाली कमाली के नाम से जानते हैं। कमाली जो है इसके बारे में कुछ तंतियां कि कमाली थे कौन, कोई ये कहता है कि कमाली इनकी बेगम, किसी ने ये कह दिया कि कमाली इनके दोस्त, किसी ने ये कह दिया कि कमाली कोई थे ही नहीं क्योंकि जो जो खुदा के दोस्त होते हैं जिन्हें आप वली कहते हैं उनके दोस्त जो है वो जिन भी होते हैं। और हिंदुस्तान में जो पुराने कस्बे हैं
वहां आज भी जिन्नातों और परियों की कब्रें जो है वो पाई जाती हैं, तो हो सकता है कि वो कोई जिन हो। पर ये जो एक थ्योरी है कि वो उनके शिष्य रहे होंगे, ये काफी, इस पर काफी ज्यादा चर्चा होती, ये काफी एक बहस का विषय है इतिहासकारों के बीच में। क्योंकि अगर आप तसव्वुफ को पढ़ें तो उसमें आप देखते हैं कि हिंदुस्तान जो है उसमें गुरु और शिष्य वाला जो एक रिश्ता है वो बड़ा गहरा है। मतलब आप हजर निजामुद्दीन औलिया को लें और आप हजरत अमीर खुसरो को देखें, हजरत अमीर खुसरो के लिए हजर निजामुद्दीन औलिया की जो मोहब्बत थी वो ये थी कि उनसे जब पूछा गया, मतलब कि जब आप खुदा के दरबार में जाएंगे, जब हजर निजामुद्दीन औलिया से पूछा गया तो आप क्या लेकर जाएंगे, क्योंकि लोग यहां से नमाजें लेकर जाते हैं, रोजे लेकर जाते हैं, इबादत लेकर जाते हैं, अच्छाइयां लेकर जाते हैं, नेकियां लेकर जाते हैं, आप क्या लेकर जाएंगे? तो कहते हैं कि ये जो तुर्कुल्ला है, जो हजरत अमीर खुसरो उनको तुर्कुल्ला बोलते हैं, तुर्क, मैं इसको लेकर जाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि इसके सीने का साज, इसके सीने में जो साज, आवाज, दर्द, शायरी, कि ये मेरा बना है, ये ले जाकर मैं खुदा के सामने। और अगर शरीयत जो कानून है इस्लाम में वो अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इस तुर्क को अपनी कब्र में साथ लेकर दफन होना चाहूँ। पर ऐसा हुआ नहीं, उनकी अलग अलग जो है वो कब्रें जो है वो बनाई गई। उसी तरीके से बाबा फरीद और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का रिश्ता, कि बाबा फरीद जो है वो यहाँ नहीं थे जब ख्वाजा कुतुब साहब का इंतकाल हो गया, तो जब वो आए तो जार जार रोने लगे कि मैंने अपने पीरो मुर्शिद की मजार पर जो है कब्र पर एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं डाली। तो वो इतना रो रहे थे कि एकदम मतलब वज के आलम में पहुंच गए, तो उन्हें एक दैवीय आवाज उनके सीने में गूंजी कि अब भी देर नहीं हुई है, अब ले आओ और मिट्टी डाल दो। तो मेहरौली में एक तालाब है जिसका नाम है शमसी तालाब, वो वहां गए और वहां से सर पर तसले में मिट्टी रखते थे और सुबह उन्होंने फजर के टाइम पर शुरू किया और मगरिब का टाइम हो गया, शाम हो गई एकदम, और वो लाके डालते रहे। तो अगर आप में से किसी ने ख्वाजा कुतुब साहब की अगर मजार देखी है तो बड़ी आम सी मजार नहीं लगती वो, मतलब उमूमन एक छोटी मजार, मतलब जो एक साइज होता है कब्र का वो ऐसा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, जितना ये है ना इसे थोड़ी सी छोटी ही होगी। तो जब बाबा फरीद वहां मिट्टी डालते रहे तो उनको आवाज आई कि अब बहुत, मतलब बस करो, वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब ना डालो। तो ये गुरु शिष्य वाला एक प्रेम, ये एक गंगा जमुना है जो हिंदुस्तान में बहती रही, और फिर उसके बाद अभी लोग इसको अलग अलग नामों से जो है वो पुकारने लगे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आशिक थे। बिल्कुल अगर फकीर हैं और अगर एक ही महबूब है उनका तो एक दूसरे के आशिक भी। इनकी जो कब्रें हैं फिलहाल इसमें जो है इन्होंने इसमें एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी उसको देखने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत अच्छा काम है, नक्काशी वगैरह। तो क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा ये है कि कहीं भी हम कब्र देखते हैं तो हमें चादर चढ़ाना या अगरबत्ती जलाना शुरू कर देते हैं, तो वो कहीं खराब ना हो बेहतर काम, इसलिए एक ही वजह है कि उन्होंने इसको बंद कर दिया। अब आप आए और वहां से अगर आप शुरू करें और वहां तक जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो, एक तो इसमें मस्जिद में मीनार नहीं, जैसा कि एक इस्लामिक आर्किटेक्चर एक टर्म है ये कहा जाता है, जबकि इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम की कुछ चीज नहीं, जैसे क्रिश्चियन आर्किटेक्चर कुछ नहीं, हिंदू आर्किटेक्चर भी कुछ नहीं है। आर्किटेक्चर जो है वो मजहब में नहीं, वो वहां के रहने वालों से बनता है, चाहे वहां पे हिंदू रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, मुस्लिम रह रहे हैं या कोई भी समाज के लोग रह रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो ये ऐसा लगता है देखने में कि एक जमाना इसमें से पीछे छूट रहा और एक जमाना जो है वो आ गया। एक जमाना जो लोधी खानदान है जिन्होंने तकरीबन 1451 से लेकर 1526 के बीच हुकूमत की हिंदुस्तान के बड़े भूभाग पर, उसके बाद जो है मुगल आए और फिर उसके बाद वो आए तो फिर कभी लौट कर नहीं, उन्होंने 1857 तक जो है उनकी कब्रें यहीं बनकर रह गई। तो अगर लोधियों का जमाना आप देखें
तो उसमें ये वाला एक संगे खारा पत्थर होता है, देखा है आपने? कहीं भी चले जाए आप, हौज खास चले जाए या लोधी गार्डन चले जाए या फिर आप कहीं भी, मतलब अगर आप देखें तो खास ये वाला लाल बल्ला पत्थर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। अब इसे बोला जाता है अरावली से आया, ये हमारा यहीं का पत्थर है, ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश का पत्थर है, ये वाला, ये वहां के खदानों से जो है आया। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये वाला जो पत्थर है ये इमारत को मजबूती प्रदान करता है। अगर आप कुतुब मीनार को देखें और कुतुब मीनार के ऊपर से वो लाल बलुआ पत्थर के जो ब्लॉक्स हैं उनको एक एक करके ऐसे हटा दें तो आप अंदर देखते हैं कि अनगढ़े पत्थरों की बना हुआ एक मुजस्सिमा है। वो अनगढ़े पत्थर वो यही, इनकी खासियत ये है कि ये इमारत को मजबूती देते हैं, पर आप इसके ऊपर छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इसके ऊपर कोई नक्काशी बनाना चाहें, कोई बारीक नफीसा कोई फूल बनाना चाहें तो इसके अंदर दरार पड़ जाएगी, पर अगर आपको इसके ऊपर बहुत अच्छा कोई डिजाइन बनाना है तो इसके लिए आपको इसके ऊपर एक मोटी तह चढ़ानी पड़ेगी प्लास्टर की और फिर उसके बाद आप इस पर बना सकते हैं। अब ये वाला जो लाल बलुआ पत्थर है जिसे रेड सैंडस्टोन कहा जाता है, ये आपको नहीं मिलेगा जहां जैसे कोई किले की दीवार है उसे बनाने के लिए जो मजबूती देने वाली जगहें हैं, जो जो सुरक्षा वाली जो मंजिलें हैं जो इमारतें हैं, ये आपको मिलेगा जहां पर अंदर महलों में खासतौर पर, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा आसान है नक्काशी करना। इसका जो मिजाज है उतना नर्म, ये छेनी और हथौड़े की जब इसके ऊपर मार करती है तो इसे इतना दुख नहीं होता और ये दुख में बिखर नहीं जाता, ये उसे बनने देता है। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे जो कलाकृतियां हैं वो ऐसी रेड सैंडस्टोन पर जो है वो बनी है। अब इसमें देखें, इसमें मकराना का संगमरमर भी लगा हुआ है। संगमरमर जो है हिंदुस्तान में बादशाह शहंशाह आलम शाहजहां के जमाने में अपने उरूज पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना तब शुरू हुआ। और इसमें लगे हुए हैं दो कलश और उन पर लगे हुए हैं कमल के फूल। इसके ऊपर है एक झरोखा और झरोखे के नीचे जो लगे हुए हैं लट्टू, ये है मेवाड़ की देन। अगर आप उदयपुर जाएं या फिर चित्तौड़ की तरफ जाएं, मेवाड़ में अगर आप कहीं भी चले जाएं तो आपको इस तरीके से झरोखे में नीचे ऐसे लट्टू नजर आएंगे। अब ये जो एक हिंदू एलिमेंट है जो ये कहा जाता है और उसके पीछे जो ये संगमरमर का सूरज बना हुआ ये यहाँ पे क्या कर रहा है, या इसके ऊपर जो ये आर्च है आप देख रहे हैं कि ये कितना नाजुक पत्थर है कि इस आर्च पर कमल के फूल की कलियां बनाई गई और उसमें कोई जोड़ नहीं, वो पत्थरों को तराश कर बनाया गया। तो इसको देखें। और दूसरा ये हमारा आ गया मेहराब सामने किबला जो फेस करते हैं। हिंदुस्तान की खासियत अगर गिनाने बैठा जाए कोई गिनाए तो वक्त बहुत कम पड़ जाए। अब जैसे हर मस्जिद में आज के दौर में जितनी भी मस्जिदें बनी हुई हैं उसमें जो रुख है जो आप फेस करते हो किबला की तरफ करते हो मक्का की तरफ करते हो तो चारों तरफ आप कहीं पे भी जाए कोई भी मस्जिद तो मक्का की तरफ रुख करते नमाज होती है। मक्का के रुख करने से पहले नमाज जो है किसको किसको रुख करके पढ़ी जाती है आपको पता है? अभी एक जगह जंग चल गई इज़राइल, वहां पर एक मस्जिद मस्जिद अल-अक्सा उसको फेस किया जाता है मक्का से पहले। और आपको पता है हिंदुस्तान की वो खासियत वाला जो मैं जिक्र कर रहा था, हिंदुस्तान में दोनों मस्जिदें, एक मस्जिद ये भी है जिसे आप मक्का की तरफ आपने फेस किया है और हिंदुस्तान में वो भी मस्जिद जिसमें आप जो है आपने मस्जिद अल-अक्सा की तरफ रुख किया हुआ, वो मस्जिद गुजरात में, उसमें गुंबद नहीं है उसमें मीनारे नहीं। ये बताने का मेरा एक वजह ये है कि मस्जिदों का गुंबदों से और मीनारों से ऐसा कोई खास ताल्लुक है नहीं,
पहली जो दिल्ली में मस्जिद जो बनी है जिसमें मीनार है वो जामा मस्जिद, अगर आप उसको देखें, उससे पहले की अगर आप मस्जिदें देखें तो कहीं पे आपको ऐसे मीनार नहीं मिलते। फिर ये कहा जाता है कि मस्जिदों की मीनार में खड़े होकर अजान दी जाती है, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं। ये अंदर खड़े होकर अगर मैं पहले, क्योंकि इतना शोर शराबा नहीं होता, हर मोहल्ले की हर कस्बे की अपनी अपनी मस्जिदें होती थी और उमूमन लोगों को याद दिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी कि नमाज का टाइम हो गया, तो अंदर अगर आप खड़े होकर जो है आप बुलंद आवाज में अजान देते तो उठ कर बाहर निकल। ठीक, अब इसमें अगर आप देखें तो ऊपर कुरान की आयत बनी हुई है, फिर ऊपर दो जो है वो कलश और कमल के फूल है देखा, और फिर उसमें ऊपर तो सितारे बने हुए इसमें, तो इसमें आपको लगेगा कि एक मस्जिद है, पर अब इसमें हिंदू एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं। बहुत जमाने पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं जिनमें गुंबद और बहुत है, यही है, मैं आपको बताऊं, आप लोग कभी IFT गए हो, ढाबे बने हुए हैं वहां पे, ये माई साहिबा की दरगाह अर्चिनी वाली, वो वहां पर वो रेड लाइट है वहां पर, अभी एक कोई तो एक मॉल टाइप खुली है जगह, बिग बाजार टाइप, उसके बाजू में जो मंदिर है उसमें गुंबद है और बहुत पुराना गुंबद है, मतलब पहले अगर आप शाहजहानाबाद से मेहरौली की तरफ आते थे तो आपके उल्टे और सीधे हाथ पर दोनों तरफ जो है बहुत सारे गुंबद हुआ करते थे, बहुत सारे होते थे, पर उसको सड़क बनाने की एवज में उन सबको हटाया गया एक मास्टर प्लान के तहत जो। तो बहुत जमाने पहले जब ये तुर्क, ईरानी या तुरानी, ये अफगानी, जब ये लोग हिंदुस्तान में आए तो अपने साथ एक नए किस्म की संस्कृति, एक नए किस्म की तहजीब लेकर आए, अपने साथ एक नए किस्म का आर्किटेक्चर लेकर आए। अब ये डिजाइन इनके पास थे पर बनाने वाले हम लोग थे, हम भारतीय लोग यही, तो हम लोगों ने जिन जिन चिन्हों को अपने यहाँ लगाया हुआ था, ये चिन्ह हो गए, कलश हो गए, कलश इसलिए सनातन धर्म में आया है क्योंकि वो फर्टिलिटी का एक लोगो है, उदाहरण पहले जमाने में बीज होते थे अनाज अगली फसल के लिए, वो कलश में भर कर रखा जाता है। आप फिर देखते हैं कि वो कलश और फिर नारियल जो है आपको हर शादी ब्याह में दुल्हन की गोद में जो गोद भराई के दौरान उसको दिया जाता है, इसको एक बड़ा पाक चिन्ह जो है वो समझा जाता है। तो जब बनाने वाले भारतीय थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें लगा कि उनका ये पवित्र जगह है, ये मुसलमान उनकी इबादत करने की जगह है, तो उनको जो जो जगह खाली लगी और उनको जो अपने यहाँ पर बहुत अजीज लगे, जो जो चिन्ह पाक लगे, उन्होंने इनमें लगाने शुरू कर दिए। पर लगाने वालों को भी कोई मसला नहीं था और जिनके लिए बनाया जा रहा था उनके लिए भी कोई मसला नहीं था। अब ये मसला जो है, इसकी जो उपज है वो शुरू हुई जब तीसरा बंदा आता है दो लोगों के बीच। 19वीं सदी तक किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था कि कहाँ कलश है और किस मंदिर में गुंबद, किसी को कोई मसला नहीं था, सब सबके बीच में देखो मतभेद तो भाइयों के बीच में भी होते हैं, माँ और बेटे के बीच में भी होते हैं, पर हम रहते आ रहे, हम सदियों से साथ में रहते आ रहे, पर हमें इन चीजों से कोई मसले नहीं थे, हमारे मसले थोड़े बड़े होते थे पहले जमाने। तो एक ब्रिटिश अफसर जो थे वो काबुल से सफर करते हुए फोर्ट विलियम्स जा रहे कलकत्ता की तरफ। अब वो इस चीज को देखते हैं कि किस तरीके से जो ये मुल्क है और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से आपस में बुने हुए हैं एक शॉल की तरह, कि किसी को कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान का सफर करने को निकले आप दिल्ली में ही NCR में ही चले जाए, आप सुल्तानपुर पार करें तो गुजर आ जाए, उनकी जबान अलग, उससे थोड़ा सा और आगे चले जाए तो आपको हरियाणा की जबान सुनने को मिल जाती है, अगर आप दिलशाद गार्डन बॉर्डर से अंदर गाजियाबाद की तरफ चले जाए तो यूपी की जबान अलग हो जाती है, मेरठ चले जाए तो वो जबान अलग हो जाती है। तो यही अगर आप देखें कि हर 10-20 किलोमीटर पे कल्चर एकदम बदल जाता, अगर आप हिंदुस्तान में सफर करेंगे
तो वहां पे वो डायलेक्ट चेंज हो जाते हैं, कहीं पे खड़ी बोली, खड़ी नहीं जैसे बोला जाता है ना, खड़ी बोली, खड़ी बोली बिगड़ा हुआ लफ्ज है जो मथुरा वृंदावन आगरा ग्वालियर के आसपास बोली जाती है। एक्चुअल वर्ड इज खड़ी बोली, जिसे हजरत अमीर खुसरो ने इस्तेमाल किया और दिल्ली में बड़ी इस्तेमाल होती थी खड़ी बोली। खुद बहादुर शाह जफर जो उनके खातों में पता चलता है, खुद गालिब इस्तेमाल करते थे। जैसे जो वर्ड हैं कि वासु कह दीजो वो आ जाएंगे, वासु कह दीजो, ये जो लाइन ये वहीं की। और अगर आप कहें तो मुगल कहाँ कहते, मुगल जो है वो वृंदावन और मथुरा के रहने वाले आगरा, और उनके हर तहजीब में जो है वहां का आपको रस हर चीज में देखने को मिल जाता है। तो जब ये ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ से वहां ट्रेवल करके गए तो उन्होंने सोचा कि ये बड़ा मुश्किल है इस जगह हुकूमत करना, क्योंकि अगर आप देखें कि जितने भी इंग्लिश लोगों के उपनिवेश वहां उन्होंने कैसे हुकूमत की है, उन्होंने एक तीसरा बंदा बन के की है उनको बताकर कि क्या तुम्हारे पास नहीं है और हम क्या तुम्हें दे सकते हैं। पर हमारे पास हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रहा है, हमें बाहर वालों की जरूरत पड़ी नहीं। पर वो अब किस चीज पर बताए कि, तो उन्होंने बताया कि देखो ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है, उर्दू मुसलमानों की, ये देवनागरी हिंदुओं की, मस्जिद में लगा हुआ कलश हिंदुओं का है, मंदिरों पे लगा हुआ जो ये गुम्बद है ये मुसलमानों का है। और इस तरीके से उन्होंने जो है एक छोटी सी दरार पैदा की। उस जमाने में लोग पढ़े लिखे थे, आज भी हैं, पढ़े लिखे होना समझदार होना फर्क, उस जमाने में लोग जो है वो उन्हें वो मानते थे इस बात को, अच्छा ठीक है इन्होंने बता दिया, उन्होंने बहुत सीरियसली नहीं लिया। पर हमारी आने वाली जो जनरेशन वो धीरे धीरे करके जो है वो गैप बनता चला। आप ये देखें कि आजादी की जो पहली जंग है बकौल अंग्रेज लोग और जो उनका इतिहास पढ़ते हैं उनके लिए वो म्यूटिनी है, पर जो हम लोग हैं, अगर हम लोगों के आप हिंदी बेल्ट वाले आप ऑथर्स को पढ़ें या उर्दू ऑथर्स को पढ़ें, हम लोगों के लिए ये प्रथम जो है वो जंगे आजादी थी उस जमाने में, और साम्राज्यवाद के खिलाफ पहली इतनी बड़ी जंग थी अगर आप इतिहास को पढ़ें, जिसको एक बहुत छोटा सा गदर कहकर जो है भुलाने के लिए हम पर मजबूर कर दिया जाता। तो उन्होंने जब देखा अंग्रेज लोगों ने कि दिल्ली की जो जमीन है उसमें हजारों लोग आ रहे हैं और नारे बुलंद हैं दो, जिनसे किसी को डर नहीं लग रहा है, किसी को खौफ नहीं आ रहा है, हर हर महादेव और अल्लाह को, इन दो नारों से जो है पहले खौफ नहीं आता था किसी को। तो जब ये दो नारे एक साथ लग रहे थे तो खौफ किसको आ रहा था, वो अंग्रेजों को आ रहा, और वो हार भी गए थे। पर हमारे बीच में बहुत सारे जासूस थे जिनकी बदौलत जो है वो जीत गए। जैसे हमारे यहाँ लोहे के वो गोलियां होती है ना जो बंदूकों में डाली जाती कारतूस, उन्होंने जो है वो लोहे की गोलियां हटवाकर बाजरा गिरवा दिया वहां बारूद में लगा हुआ। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि हम वो जंगे आजादी पहले हार क्यों गए, वरना हमने जो है 24 घंटों के अंदर दिल्ली कांग्रेसों पे आजाद करा दिया जमाने। खैर ये मौजू बहुत बड़ा है, शाम हो जाएगी डिस्कस करते करते, मैं चाहूंगा कि आप इस जगह को घूमें, इसकी बारीकियां जो है मुझे आज के दिन ज्यादा मालूमात नहीं, पर अगर आपको कोई सवाल है तो आप कीजिए। अब जैसे वो सामने ताक देख रहे हैं, वो ताक जो है अब इसमें कई जगह आला बोला जाता है, कई जगह ताक बोला जाता है, ये चिराग और कुछ सामान रखने के लिए इस्तेमाल होता है, पुराने कस्बों में कंघी और छोटी सी डिबिया और एक आईना रखने के लिए इस्तेमाल होता है। मुगल जमाने में इस ताक को चीनी खाना बोला जाता, इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत सी नक्काशी होती थी चीनी पत्थर की, इसलिए इसे चीनी खाना बोला जाता। तो आप इस जगह को जो है एक्सप्लोर करें थोड़ा, फिर दो चार मिनट बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। और कुछ ना समझ आए प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों को आसानी से करके जवाब दें, ठीक। Thank you.
Thank you.